बिग बॉस 14 वीकेंड के बाद जैस्मीन और निशांत को रूबीना की कठपुतली बताने पर फैंस के ऐसे आए रिएक्शन। बिग बॉस 14 में बीती रात सलमान खान ने कई घरवालों की अच्छे से क्लास लगाई। इस लिस्ट में जैस्मीन, वसीम, रूबीना दिलायक और राहुल वैद्य जैसे सितारों का नाम शामिल है। यहाँ अगर बात की जाए रूबीना दिलायक की, तो सलमान खान ने टीवी की हसीना को कई मुद्दों पर खरी खोटी सुनाई। एपिसोड शुरू होते ही सलमान खान ने रूबीना दिलायक पर हमला बोला। सलमान खान ने आरोप लगाया कि रूबीना दिलायक अपनी टीम के लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। ये बात कहते हुए सलमान खान ने जैस्मीन बसीन और निशांत सिंह मलखानी को रूबीना दिलायक के हाथ की कठपुतली तक बता दिया। सलमान खान ने तो यहाँ तक कहा कि सबको पता है कि रूबीना दिलायक ने जैस्मीन बसीन को रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा उनको ये समझाया कि गुस्सा करने से तुमको कोई नहीं रोकेगा। सलमान खान की बात सुनकर घर के सभी सदस्य तालियां बजाते नजर आए। वहीं फैंस को सलमान खान की बात जरा भी पसंद नहीं आई। यही वजह है जो फैंस सोशल मीडिया पर सलमान खान और मेकर्स पर भेदभाव करने के आरोप लगा रहे हैं। फैंस का मानना है कि मेकर्स जानबूझकर रूबीना दिलायक को निशाना बना। एक यूजर ने इस बारे में बात करते हुए लिखा, सलमान खान हमेशा रूबीना दिलायक को ही क्यों गलत बताते हैं, घर में और भी कई लोग हैं जो अपनी चलाते हैं। पवित्रा पुनिया, निक्की तंबोली, एजाज खान भी अपना काम निकालने के लिए घर के लोगों को अपने हिसाब पर चलाते हैं। निक्की तंबोली, जान कुमार, पवित्रा पुनिया, एजाज को अपना मोहरा बना रही, क्या ये आपको नहीं दिखाई देता। एक यूजर ने लिखा, बहुत बुरा लगा रूबीना दिलायक के लिए, शी इज ए वेरी नाइस पर्सन। एक यूजर ने लिखा कि रूबीना पूरे शो को लीड कर रही है, हैशटैग रूबीना दिलायक। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कलर्स टीवी और मेकर्स रूबीना दिलायक की इमेज खराब करने में तुले हैं ताकि वो शो की विनर ना बन सके। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।